अमन इलेक्ट्रिकल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वन रूम की वायरिंग के बारे में बताऊंगा। तो काफी कमेंट आ रखे थे, तो काफी लोग बोल रहे थे कि आप एक रूम की वायरिंग के बारे में बताओ कि कैसे बनाते हैं और कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एमसीबी बॉक्स बना रहा हूँ, और ये हमारी पावर सप्लाई जो कि सरकार हमें प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये फेस है और ये एक न्यूट्रल है। तो फेस न्यूट्रल ही आते हैं, जहाँ सिंगल फेस है तो वहाँ सिंगल फेस की सप्लाई आती है, जहाँ थ्री फेस की जरूरत होती है तो वहाँ ये होता है कि यहाँ पर हमारे दो फेस और आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल फेस के बारे में बता रहा हूँ, और अगली जो वीडियो होगी शायद मैं आपको उसके बारे में थ्री फेस के बारे में ही बता दूंगा। तो आज मैं आपको सिर्फ सिंगल फेस के ही बारे में बताऊंगा। तो ये हमारे कॉन्टैक्ट है, तो जब यहाँ से हमारा ये हमारी गवर्नमेंट की सप्लाई है जो हमें सरकार प्रोवाइड करवाती है। तो ये हमारा फेस न्यूट्रल आ रहा है, कुछ लोग इसे शायद प्लस माइनस की वजह से भी जानते हो, शायद अपना अपना तरीका है जो जो जैसा चाहे। तो ये जैसे एक घर है बना दिया मैंने, ये आप ये देख रहे होंगे, तो एक घर है। इस घर में बस एक रूम की वायरिंग के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ से हमारा फेस न्यूट्रल जैसे जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक सॉकेट बना देता हूँ, क्योंकि घर पे सॉकेट तो होता ही है, आप लोगों को पता ही है, जैसे नॉर्मली घरों में होता है सॉकेट। तो यहाँ पर हमने सॉकेट बना दिया, यहाँ पर इसका स्विच भी बना दिया, ये इसके स्विच हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम और भी बना देते हैं। तो काफी सारे स्विच जैसे कि हमने बनाई दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन में दोस्तों कुछ नहीं है, जो आपको ये पी वाली दिख रही है वायर, ये फेस वाली दिख रही है, फेस वाली को आपने नीचे लेके जाना है। ये आपने सब पे जो नीचे है, ये हमारे ना दोस्तों, ये आपको शायद ड्राइंग में शायद अच्छी तरह ना दिख रहे हो, पर जो ये हमारे ना एक स्विच है जो घरों में यूज करते हैं ना, ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, ये तीसरा स्विच है, और ये हमारा सॉकेट है, सिर्फ सॉकेट है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे न्यूट्रल आई है हमारी, तो न्यूट्रल को दोस्तों हम बस डायरेक्ट ही कर देते हैं, सॉकेट में डायरेक्ट ही कर देते हैं। और जो ये हमारा एक स्विच है, इस स्विच को हम सीधा सॉकेट में ही कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक फेस आ गया और यहाँ पर हमारा न्यूट्रल आ गया, और जो ये आपको ये दिख रहा है, ये सारे फेस ही फेस हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये तीन आपस में शॉर्ट हो रखे हैं, ये आपके फेस फेस हैं। तो ये क्या होगा कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे, तब इसका फेस यहाँ से आके यहाँ चल जाएगा और यहाँ से सॉकेट में चल जाएगा, तो हमारा सॉकेट का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चार्जर लगाए हैं, जैसे कि अपने प्रेस लगाए, टीवी लगाए, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली। और जैसे कि एक घर में बल्ब भी होता ही है जरूरी, आपको पता ही है। तो यहाँ पर एक हमने बल्ब बना दिया, ये हमारा बल्ब है। तो बल्ब को भी दो चीज जरूरी चाहिए होता है, एक फेस भी चाहिए होता है, और एक यहीं से हम न्यूट्रल भी ले लेंगे। तो फेस न्यूट्रल यहाँ पर आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर फेस न्यूट्रल मिल गया। अब क्या होगा, जैसे कि किसी को बल्ब बांधना है, अब बल्ब बांधना है तो क्या करेगा, वो इस स्विच को यहाँ से ऑन करेगा, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। तो जैसे ये स्विच ऑन होगा, तो ये हमारा ग्लो हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं ग्लो हो गया। तो ये आप ये देखिए कि हमारा ये बल्ब ऑन हो गया। तो एक घर में बल्ब भी चाहिए होता है, और सॉकेट भी जरूरी होता है, और साथ में एक फैन भी जरूरी होता है। आपको पता होगा फैन भी होता ही है जरूरी घर में। तो फैन के लिए भी एक यहाँ से एक स्विच ले लिया, और ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर एक फेस दे दिया। तो ये फेस हमने दे दिया यहाँ से, तो कुछ लोग सोच रहे हो कि यहाँ से क्यों दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको शायद ऐसा लग रहा हो, पर ये मैंने उसके ऊपर से दे रखी है कि वायर आपस में टच ना हो। तो फेस हमने यहाँ से दे दिया और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया। तो ये अब हमारा कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा कि जैसे कोई फैन का स्विच ऑन करेगा, तो यहाँ फेस यहाँ पर है अभी, फेस यहाँ से यहाँ उठ के और ये यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से पूरे कनेक्शन हो गए, और ये हमारा अर्थिंग का था। तो अर्थिंग का भी सबको पता ही है, अर्थ भी होना जरूरी है, क्योंकि अर्थ नहीं होगा तो हमें शॉक भी लग सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उसमें, क्योंकि उसमें फेस होता है, और हमें प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोहे वाली चीजों में अर्थिंग होना जरूरी जरूरी है। क्या होता है कि अर्थ
अगर हमारा करंट लीकेज हो गया तो हमें अर्थ की प्रोटेक्शन मिल जाए, है ना। तो कनेक्शन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब क्या होगा कि जब सरकार की, जब हमें गवर्नमेंट की सप्लाई आती है, तो फेस न्यूट्रल यहाँ पर आ गया। तो क्या होगा, जब हम एमसीबी ऑन करेंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, तो ये दोनों सप्लाई ऑन हो जाएगी। जैसी ये सप्लाई ऑन हो जाएगी, ये यहाँ से जाएगी और ये आप देखो फेस फेस हमारी यहाँ से उड़ के यहाँ चल गई फेस, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्विच था, ये हमारा दूसरा स्विच है, ये तीसरा स्विच है और ये हमारा सॉकेट है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सॉकेट है। और हर घर में मतलब पंखा और एक एक बल्ब चाहिए होता है, तो ये मेरा बल्ब था, आपने, ये हमारा बल्ब है और ये हमारा फैन है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, और ये हमारा सॉकेट है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हमने एमसीबी अपना ऑन कर दिया, डबल पोल का एमसीबी, जब हमने डबल पोल का एमसीबी ऑन करा तो हमारा फेस यहाँ से उठ के यहाँ आ गया और ये आपस में मैंने सबको, तीन स्विच को मतलब शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि दोस्तों एक एक तार डालने से, तो अच्छा एक ही तार हमने शॉर्ट कर दिया। जब हमने शॉर्ट कर दी है तब क्या हो गया कि यहाँ पर इन तीन सॉकेट में फेस आ गया, यहाँ से न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कर दिया, इसमें सॉकेट में, ये सॉकेट में हमने डायरेक्ट कर लिया, सॉकेट में डायरेक्ट कर दिया न्यूट्रल, ठीक है। और न्यूट्रल हमने हर जगह को डायरेक्ट दे देनी है, यहाँ से हमने एक लूप लिया, यहाँ से एक फैन में दे दिया और एक लूप हमने बल्ब में दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो दो जगह हमने लूपिंग दे दिया और जो हमारा ये ऊपर वाले जो हमारे टर्मिनल जो खाली थे, ये हमने एक 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 हमने बल्ब को दे दिया और एक हमने फैन को दे दिया है और एक हमने सॉकेट को दे दिया। तो यहाँ पर हमारा पूरा कनेक्शन हो गया। तो जैसे ही ऑन करेंगे, स्विच को दबाएंगे, तो ये फेस यहाँ से उड़ के यहाँ जाएगा और ये बल्ब में चल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल तो हमारी ग्रेड थी। न्यूट्रल के लिए हमने कोई भी स्विच उच नहीं देते हैं, कभी भी हम न्यूट्रल के लिए कोई स्विच मतलब नहीं देते हैं, बस डायरेक्ट हमने कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम ये वाला स्विच ऑन करेंगे तो हमारा फैन ऑन हो गया, ये वाला स्विच ऑन करेंगे तो हमारा सॉकेट ऑन हो गया। तो दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था, हमारा वन रूम वायरिंग का था। तो वन रूम में ज्यादातर बस इतनी ही जरूरत होती है, अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो आप उसके हिसाब से अलग अलग से सॉकेट यहाँ पर लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप कितने सॉकेट या कितने बल्ब या कितने कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपके अनुसार है कि आपको कितनी जरूरत है। ज्यादातर नॉर्मली घरों में मैंने ज्यादातर कनेक्शन देखे तो इतने ही लोगों को ज्यादातर जरूरत होती है वन रूम में, वो आपकी मर्जी है, आपको जितने स्विच या आपको ज्यादा चार्जर भी लगाना है, टीवी भी चलानी, तो आप एक सॉकेट अलग से दे सकते हैं। तो उसकी वायरिंग के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, ऐसी है कि एक सॉकेट हमने बना देना है और उसकी यहाँ से लूपिंग दे देनी है। अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट करिए और मैं अगली वीडियो में आपको यही बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं अगली वायरिंग। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे या कुछ भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट जरूर कीजिए, मैं शायद आपको इससे भी अच्छी, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी बता दी है, अगर कोई डाउट आता है फिर भी मैं आपको इससे अच्छी वायरिंग डायग्राम आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको ही पता है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी ही आपके कमेंट का हम रिप्लाई देंगे और एक वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।